इस मूवी के स्टार्टिंग में हम निको नाम के एक आदमी की डेड बॉडी को देखते हैं, जो कि फांसी पे लटकी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने सुसाइड किया हो। फिर सीन कट होकर मूवी की मेन कैरेक्टर सेरन बर्कले की ओर शिफ्ट होता है, जो कि अपने हस्बैंड कास्टस के साथ सो रही थी। लेकिन अचानक से उसके स्टमक में काफी तेज पेन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए कास्टस उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि सेरन का अपेंडिक्स किसी वजह से फट गया है। इसलिए डॉक्टर्स को अब उसकी इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है। मगर सर्जरी के स्टार्ट होते ही शेरन बेहोश हो जाती है, और जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को एक अननोन रूम में पाती है, जहाँ पर उसके दोनों हाथ बेड से बंधे हुए थे। साथ ही में उसे एक रेड लिक्विड भी दिया जा रहा था, जिसके बाद वहाँ पर थोड़ी ही देर में डॉक्टर हेलन बैक आते हैं, जो कि उसे उसकी सिचुएशन के बारे में बताते हैं कि वो सर्जरी के बाद से ही मेंटली बीमार थी। जिसे सुनकर शेरन डॉक्टर से उस जगह के बारे में क्वेश्चन करती है कि वो कहाँ पर है, मगर वो डॉक्टर उसे कुछ बताए बगैर ही वहाँ से चले जाते हैं। फिर शेरन अपने स्टमक पर उस सर्जरी का स्कार चेक करती है, मगर तब तक वो स्कार पूरी तरह से हील हो चुका था, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो वहाँ पर काफी दिनों से मौजूद है। फिर जब डॉक्टर हेलन बैक दोबारा उसके रूम में आते हैं, तो वो उनसे इस बारे में क्वेश्चन करती है। हालांकि वो अभी भी उसे कुछ नहीं बताते, बल्कि इसके बदले वो उसे एक पिल देते हैं, लेकिन शेरन उसे लेने से मना कर देती है और अपनी फैमिली से मिलने की डिमांड करती है। और बस ये कहने के बाद वो भागकर बाहर चली जाती है, जहाँ पर अब उसे फैसिलिटी के कुछ लोग इंजेक्शन देकर वापस रूम में ले आते हैं। वहीं अब शेरन की आँख खुलती है, तो वो अपने सामने डॉक्टर हेलन बैक को पाती है, जिसे देखकर वो उन्हें वार्न करती है कि उसका हस्बैंड जल्द ही उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाएगा, जिस पर वो डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। और बस ये कहकर वो उसे रूम में लॉक करके वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद थोड़ी ही देर में शेरन को वहाँ पर कुछ पेशेंट्स के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। साथ ही साथ वो वहाँ एक पेशेंट को भी देखती है, जिसकी बॉडी से दरअसल काफी खून निकल रहा था, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे वहाँ पर टॉर्चर किया गया हो। उस पेशेंट की हालत देखकर शेरन अब और भी ज्यादा डर गई थी। तभी शेरन को दीवार की दूसरी तरफ से कुछ आवाजें आने लगती है, और जब वो उसे चेक करने जाती है, तो तब उसे वहाँ पर साइड वाले पेशेंट का नोट मिलता है, जो कि उस पेशेंट ने दीवार के नीचे से भेजा था, जिसमें वो उसे अपना नाम एवरेट बताता है। साथ ही साथ वो शेरन को ये भी बताता है कि ये दरअसल कोई हॉस्पिटल नहीं है। वहीं जब वे दोनों ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एवरेट के रूम में कुछ लोग आकर उसे वहाँ से जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। वहीं एवरेट के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर शेरन अब और भी ज्यादा डर गई थी। इसी बीच शेरन अपने कुछ मेन मोमेंट्स को याद करती है, जिसमें उसने एक बार कास्टस से किसी चीज को लेकर झूठ बोला था, मगर कास्टस को ये बात पता थी कि वो उससे झूठ बोल रही है, लेकिन इसके बावजूद वो उसे कुछ नहीं बोलता। गाइस, यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि तभी आपको ये मूवी अच्छे से समझ आ पाएगी। इस मूवी में दरअसल काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको शायद मूवी के एंड में समझ आए, इसलिए आप वीडियो को आराम से एंड तक जरूर देखना। वहीं अब नेक्स्ट टाइम हेलन बैक जब शेरन के पास आता है, तो वो उससे पूछता है कि उसे कुछ ऐसी चीजों का रिग्रेट तो नहीं है जो कि उसने पास्ट में की हो, जिस पर शेरन उसे साफ मना कर देती है। इसी बीच हेलन बैक को वहाँ एवरेट का नोट भी मिल जाता है, जिसके बाद वो शेरन को अब दूसरे पेशेंट के पास ले गया था, जिसमें कैसेंड्रा, मिस्टर रिजोन, एवरेट और कुछ दूसरे पेशेंट्स भी शामिल थे। फिर जब हेलन बैक जैसे ही रूम से जाता है, तो तब शेरन एवरेट से पूछने लगती है कि लास्ट नाइट उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया था, जिस पर एवरेट उसे बताता है कि पिछली रात उन लोगों ने उसकी जीभ काट दी थी। जिसे सुनकर शेरन काफी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि एवरेट तो उससे प्रॉपरली बात कर पा रहा था, जिस पर एवरेट उसे बताता है कि उसकी जीभ फिर से वापस आ गई, क्योंकि वे लोग उन पर एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं। वहीं अब कैसेंड्रा शेरन को बताती है कि वे लोग उसे कई बार जिंदा जला चुके हैं, मगर उनके ट्रीटमेंट की वजह से वो थोड़े ही दिनों में बिल्कुल ठीक भी हो जाती है। इन सभी बातों के बाद वे सब शेरन को सजेस्ट करते हैं कि कुछ भी हो जाए, उन लोगों को अपने रूम में मत आने देना, नहीं तो वे तुम्हारे साथ भी यही सलूक करेंगे। इसी बीच वहाँ पर सायरन बजने लगता है, जिससे सभी काफी डर गए थे, मगर शेरन को कोई आइडिया नहीं था कि उस सायरन का मतलब आखिर क्या है। वहीं थोड़ी देर बाद हेलन बैक वहाँ रूम में आता है, और उन सभी को उनके रूम में भेज देता है, और शेरन से बोलता है कि उसे भी अपने रूम में जाना होगा, ताकि वो पता लगा सके कि वो प्रोसीजर के लिए सिलेक्ट हुई है या नहीं। वहीं शेरन को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो उससे अपनी फैमिली के पास जाने के लिए बोलती है, मगर हेलन बैक उसकी बातों को इग्नोर करके उसे उसके रूम में भेज देता है। इसी बीच शेरन को वही पुरानी बातें याद आती है, जिसमें हमें पता चलता है कि जब शेरन ने कास्टर से जिम जाने के लिए झूठ बोला था, तो तब वो उस टाइम पर एक ग्रेव में गई थी। हालांकि अभी तक हमें उस ग्रेव के बारे में कुछ पता नहीं चलता कि वो ग्रेव दरअसल है किसकी। वही थोड़ी देर बाद शेरन जब अपने रूम में होती है, तो
तो तब वहाँ की सभी लाइट्स ऑफ हो जाती है, जिसके बाद वहाँ पर दो लोग आकर एक पेशेंट को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं, और उनके जाते ही अब वहाँ की सभी लाइट्स फिर से ऑन हो गई थी। और इसी मौके का फायदा उठाकर एवरेट अब सीरन के रूम में आ गया था, जहाँ वो उसे इस प्लेस के बारे में बताता है कि वो दरअसल एक एक्सपेरिमेंट फैसिलिटी है, जिसे सुनकर सीरन उससे वहाँ से भागने का कोई तरीका पूछती है, जिस पर वो उसे बताता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि हमें उनकी बातें और रूटीन को फॉलो करना होगा। जिसे सुनकर शेरन उससे पूछती है कि तुम्हें ये सब कहाँ से पता चला, जिस पर एवरेट डॉक्टर हेरनबेक का नाम लेता है और कहता है कि उन्होंने प्रॉमिस किया है अगर मैं उनका रूटीन फॉलो करूंगा तो वे मुझे जल्दी यहाँ से जाने देंगे। डॉक्टर हेरनबेक का नाम सुनते ही शेरन कहती है कि उसे उनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वहीं जब वे दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी दो लोग उसी पेशेंट को लेकर वापस आते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस पेशेंट की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। दरअसल उसके पेट से काफी सारा खून निकल रहा था, जिसे देखकर शेरन एवरेट से क्वेश्चन करती है कि उसके साथ आखिर क्या हुआ है। तो एवरेट उसे कहता है कि तुम उसके बारे में ना ही जानो तो बेहतर रहेगा, मगर शेरन को ये सब जानना था, इसलिए वो दौड़कर उस पेशेंट के रूम में चली जाती है, जहाँ पर अब वो पेशेंट उसे बताने लगा था कि उन लोगों ने उसके साथ क्या किया है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस रूम में हेरनबेक एक रेड लिक्विड की बोतल लेकर पहुँच जाता है और शेरन को वापस अपने रूम में जाने के लिए बोलता है। वापस रूम में आकर शेरन एवरेट से उसकी वहाँ से भागने में हेल्प मांगती है, मगर एवरेट ऐसा करने से साफ मना कर देता है, इसलिए वो अकेले ही आगे निकल जाती है, जहाँ रास्ते में वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेशेंट को देखती है। लेकिन बदकिस्मती से हेरनबेक उसे देख लेता है, जिसके बाद अब वो उसे अपने ऑफिस में ले जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हेरनबेक शेरन को उसी आदमी की फोटो दिखाता है जिसे कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में फांसी पे लटका हुआ देखा था। उस आदमी की फोटो दिखाते हुए हेरनबेक शेरन से पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो, जिस पर शेरन उसे कहती है कि अगर वो उसके बारे में बताती है तो तब क्या वो उसे एक फोन कॉल करने देगा, जिस पर हेरनबेक कहता है कि हाँ, अगर तुम उसके बारे में सब सच सच बताती हो तो। हेरनबेक के एग्री होते ही शेरन उसे बताती है कि वो आदमी जो कि उस फोटो में है उसका नाम निको था। कुछ टाइम तक तो वे दोनों रिलेशनशिप में रहे, मगर फिर वे दोनों अलग हो गए, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पहले जिस ग्रेव के पास शेरन गई थी वो किसी और की नहीं बल्कि निको की ही थी। आखिर में शेरन बताती है कि निको ने कुछ टाइम बाद सुसाइड कर लिया था, जिस पर उसे बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। वहीं ये सब बताने के बाद जब शेरन अपने घर में कॉल करने के लिए फोन उठाती है तो तब उसे पता चलता है कि वो फोन तो ऑलरेडी डेड है, जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा हो जाती है और अपने रूम में वापस चली जाती है। हालांकि ये सब होने के बाद शेरन एक बार फिर से वहाँ जाती है, जहाँ पर उसे एक रूम में निको का पियानो और एक रस्सी दिखाई देती है, जिसे देख कर वो काफी ज्यादा डर गई थी कि तभी अचानक से वहाँ पर फैसिलिटी के दो लोग आ जाते हैं और उसे पकड़कर एक रूम में ले जाते हैं, जहाँ पर वे लोग बिना रहम खाए शेरन के एक पैर को बड़ी ही बेरहमी से काट देते हैं। लेकिन आखिर में हेरनबेक ने उसके पैर को ठीक भी कर दिया था, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है कि वो अपने पैर को अभी भी कैसे कंट्रोल कर पा रही है, जिस पर हेरनबेक उसे उस रेड लिक्विड के बारे में बताता है जो कि BMS के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी मदद से किसी भी इंजरी को काफी जल्दी हील किया जा सकता है। वहीं अब इन सब चीजों से कंफ्यूज होकर सीरन उससे पूछती है कि वे ऐसा आखिर क्यों कर रहे हैं, तो तब हेरनबेक उसे सिर्फ एक बात कहता है कि हम तुम्हारे जैसे लोगों के साथ ही ऐसा करते हैं, और बस ये कहकर अब वो वहाँ से चला जाता है। बाद में शेरन एवरेट के पास जाती है और उसे बताती है कि उसने कुछ ही देर पहले अपने एक्स बॉयफ्रेंड को इस फैसिलिटी में देखा था, जो कि 10 साल पहले ही मर चुका है, जिसे सुनने के बाद वो काफी गुस्सा हो जाता है और तुरंत हेरनबेक के पास जाकर उसे बोलता है कि तुमने तो कहा था कि जो कोई भी तुम्हारे रूटीन को फॉलो करता है तुम उसे 3 महीने बाद ही छोड़ देते हो, मगर मैंने इस फैसिलिटी में एक ऐसे आदमी को देखा है जो कि यहाँ पिछले 10 साल से मौजूद है, यानी कि तुमने मुझसे झूठ कहा था, जिस पर हेरनबेक कहता है कि ये सब मेरे हाथ में नहीं है। जिसे सुनकर अब एवरेट उनके मैनेजमेंट के साथ बात करने की रिक्वेस्ट करता है। एवरेट के कहने पर अब हेरनबेक उसे अपने सीनियर से मिलवाने के लिए ले जाने लगता है, मगर असलियत में वो उसे किसी से मिलवाने नहीं बल्कि उसी ऑपरेशन रूम की तरफ ले जा रहा था, जहाँ अब अचानक से दो लोग एवरेट को पकड़ लेते हैं और एक रूम में ले जाकर उसकी जीभ को फिर से काट देते हैं। दूसरी तरफ शेरन एक बार फिर से उसी रूम में चली जाती है, मगर इस बार उसे वहाँ पर सिर्फ पियानो ही मिलता है, जिसे वो थोड़ी देर के लिए प्ले करती है। पियानो प्ले करने के बाद वो फैसिलिटी के एक मेंबर का पीछा करते हुए एग्जिट तक पहुँच जाती है, मगर जब वो उस दरवाजे को खोलती है तो उसे वहाँ पर एक दीवार मिलती है, यानी कि उस दरवाजे से जो बाहर का नजारा उसे दिख रहा था वो दरअसल रियल नहीं बल्कि फेक था, इसलिए शेरन अब वापस उसी रूम में चली जाती है, मगर इस बार उसे वहाँ पियानो के साथ साथ एक रस्सी भी मिलती है, जिसे देखकर अब वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी कि तभी अचानक से निको की डेड बॉडी उसके सामने आ जाती है। निको की डेड बॉडी देखकर शेरन डर के मारे उस रूम से बाहर चली जाती है।
जाती है जहाँ उसे हेलन बैग मिलता है। लेकिन जब सेरन हेलन बैग के साथ वापस रूम में जाती है तो तब उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता, यानी कि उन्हें वहाँ ना तो पियानो मिलता है और ना ही निको की डेड बॉडी। बाद में सेरन बड़ी ही चालाकी से हेलन बैग की कीज ले लेती है और कीज मिलने के बाद वो कैसेंड्रा के साथ अब हेलन बैग के ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चली गई थी, जहाँ पर काफी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें फाइनली फैसिलिटी का एक मैप मिल गया था जिसके जरिए अब वे वहाँ से बाहर निकल सकते थे। मगर प्रॉब्लम ये थी कि हेलन बैग को भी अभी पता चल गया था कि सेरन ने उसकी कीज चुरा ली है, इसलिए वे दोनों फैसिलिटी के स्टाफ की ड्रेस पहन लेते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान न पाए। लेकिन रास्ते में ही फैसिलिटी के कुछ लोग को उन पर डाउट हो जाता है और जब वे उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो कैसेंड्रा सेरन को बचाने के लिए खुद का गला काट लेती है, जिससे कि सेरन को वहां से भागने का एक मौका मिल जाता है। मगर कुछ दूर चलने के बाद एक पेशेंट सेरन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रिजोन ठीक समय पर वहां आकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद वे दोनों फैसिलिटी के लोगों से बचने के लिए अब एक रूम में छुप गए थे, जहां रिजोन अब सेरन के साथ मिसबिहेव करने लगता है। और क्योंकि फैसिलिटी के लोग बाहर खड़े हुए थे इसलिए सेरन को ये सब मजबूरन सहना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वे सब वहां से चले जाते हैं तो तब सेरन चालाकी से रिजोन को मारकर वहां से चली जाती है। और अब ये सब होने के बाद सेरन फाइनली उस फैसिलिटी से बाहर निकल गई थी, मगर उसके बाहर निकलने की वजह से अब काफी सारे लोग उसे ढूंढ रहे थे, इसलिए सेरन छुपते हुए पासी के एक घर में हेल्प मांगने के लिए जाती है। लेकिन जब वो वहां जाती है तो उसे वहां पर कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे वहां पर फिर से निको की डेड बॉडी मिलती है। और जब वो उस जगह को अच्छे से देखती है तो उसे एहसास होता है कि वो तो अभी फैसिलिटी से बाहर निकली ही नहीं थी, यानी कि ये सब उसका एक वहम था, जिसके बाद उसे पकड़कर उसी पियानो वाले रूम में लटका दिया जाता है। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने पास हेलन बैग को देखती है जो कि उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। वहाँ शेरन उसे पूछती है कि वे उसे मार क्यों नहीं देते, जिसके रिप्लाई में वो उसे बताता है कि वे यहाँ पर किसी को नहीं मारते। ये कहने के बाद वो एक बार फिर से सेरन से उसके पास्ट के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो उसे अभी भी कुछ नहीं बताती। बाद में सेरन एवरेट के पास जाती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे आया था, जिस पर वो उसे बताता है कि उसका एक काफी सीरियस एक्सीडेंट हुआ था और जब उसकी आँख खुली तो उसने खुद को इस फैसिलिटी में पाया। तभी सेरन उससे उसकी लाइफ के बारे में पूछती है कि कभी उसने ऐसा कुछ किया है जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, जिसके जवाब में एवरेट साफ मना कर देता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिस पर सेरन उसे बताती है कि 10 साल पहले उसने एक ऐसा काम किया था जो कि काफी घटिया था और उसे लगता है कि शायद वो इसी वजह से वहाँ पर मौजूद है। एवरेट से बात करने के बाद सेरन कैसेंड्रा के पास जाती है जो कि उसे बताती है कि उन लोगों ने उसे फिर से जलाया था, जो कि वो डिजर्व भी करती है। और यहाँ पर वो अपना एक इंसिडेंट सेरन को बताती है जिसमें उसने 600 एनिमल्स को मरने से बचाने के लिए पूरा फार्म ही जला दिया था और उसमें उसके ओनर भी जिंदा ही जल गए थे। शायद इसलिए ही अब उसको भी जिंदा जलाया जा रहा हो, क्योंकि वो ये सब डिजर्व करती है। साथ ही में कैसेंड्रा सेरन को ये भी बताती है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है हमारी डेथ, जिसके रिस्पॉन्स में सेरन उसे बताती है कि वे सब पहले ही मर चुके हैं। दरअसल कैसेंड्रा के यहाँ आने से पहले उसने एक जहरीला मशरूम खाया था जिसके कारण उसे फूड पॉइजनिंग हो गई और उसका ट्रीटमेंट एक हॉस्पिटल में चल रहा था, मगर जब उसकी आँख खुली तो उसने अपने आप को इस फैसिलिटी में पाया। उसी तरह एवरेट को भी जब उस एक्सीडेंट के बाद होश आया तो उसने भी खुद को इस फैसिलिटी में पाया और सेरन के यहाँ आने से पहले वो भी एक हॉस्पिटल में मौजूद थी। इसी वजह से सेरन को लगता है कि वे सब पहले ही मर चुके हैं और उसके अकॉर्डिंग ये प्लेस हेल है, यानी कि नर्क है। सेरन की बातों से कंफ्यूज होकर कैसेंड्रा उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया था कि तुम यहाँ आई, तो तब सेरन उसे बताती है कि उसने 10 साल पहले अपने एक्स बॉयफ्रेंड निको को मारा था, शायद इसलिए वो यहाँ आई। दरअसल 10 साल पहले सेरन और निको के बीच हो रही बहस के दौरान सेरन ने गलती से निको का गला काट दिया था, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। निको की मौत के कारण सेरन को इस बात का डर लगने लगा था कि अगर पुलिस को ये बात पता चली तो वे उसे अरेस्ट कर लेंगे और जेल में डाल देंगे, इसलिए सेरन को एक आइडिया आया और उसने निको को एक रस्सी के जरिए ऊपर रूफ पर लटका दिया ताकि सभी को लगे कि निको ने सुसाइड किया है। वहीं अब सेरन हेलन बैग के पास जाती है और उसे डांटे की स्टोरी बताती है जो कि हेल में गया था, जहां पर उसे टॉर्चर करके वापस हील किया जाता था ताकि वे उसे दोबारा टॉर्चर कर सके, जिसे सुनकर हेलन बैग अब काफी हैरान हो जाता है क्योंकि कोई भी ये बात नहीं जान पाया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वे सच में ही हेल में मौजूद है। फिर सेरन उससे पूछती है कि क्या तुम डेविल हो, जिस पर वो सेरन को बताता है कि वहाँ पर कोई भी डेविल नहीं है, बल्कि काफी टाइम पहले वो भी उनकी तरह ही एक पेशेंट था जो कि यहाँ अपने गलत कर्मों की वजह से आया था, मगर 3 महीने के टॉर्चर के बाद उन्हें दूसरे लोगों को टॉर्चर करना होता है, इसलिए अब वो बाकी लोगों को टॉर्चर करता है और अगर कोई ऐसा करने से मना कर देता है तो तब उसे और भी ज्यादा तकलीफ दी जाती है और इसी तरह ही यहाँ का सिस्टम वर्क करता है। वहीं अब उन दोनों के
बातों के दरमियान हमें पता चलता है कि हेलन बैग दरअसल वहाँ 1969 से मौजूद है, जिसके बाद आखिर में शेरन उससे पूछती है कि क्या वहाँ पर कोई मर नहीं सकता। तो हेलन बैग उसे बताता है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर किसी की भी मौत नहीं होती क्योंकि हेल उनके रिग्रेट की जगह है। तभी इतने में वहाँ पर निको आ जाता है, जो कि 10 साल पहले ही अपने बुरे कर्मों की वजह से यहाँ आ गया था। फिर निको शेरन को पकड़कर वापस उसी रूम में ले जाता है जहाँ पर वो उसे एक बार फिर से लटकाने की कोशिश करने लगा था, लेकिन उस दौरान शेरन उसे यकीन दिलाने लगती है कि वो उससे काफी ज्यादा प्यार करती थी। उसने कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया जितना वो उससे करती थी, और सिर्फ वही थी जो कि उसके ग्रेव पर हमेशा कैंडल्स रखा करती थी। अब ये सब कहने के बाद वो निको से उसे मारने के लिए माफी मांगती है। हालांकि वो इसे बदल तो नहीं सकती मगर रिग्रेट कर सकती है, इसलिए वो निको से उसे वैसे ही लटकाने के लिए बोलती है, लेकिन निको ऐसा नहीं करता और उसे वहाँ से लेकर एग्जिट की ओर जाने लगता है। निको को वहाँ जाता देखकर हेलन बैग उसे ऐसा करने से मना करता है, मगर निको उसके मना करने के बावजूद शेरन को लेकर हेल के एग्जिट पर चला जाता है, जहाँ पर अब जल्दी ह्यूमन वर्ल्ड का एक एंट्रेंस और एक ब्रिज भी बन गया था, जिस पर से शेरन दूसरी तरफ जाने लगती है। मगर जैसे ही निको उस ब्रिज पर पैर रखता है तो वो ब्रिज टूटने लगता है, लेकिन लकीली शेरन दूसरी तरफ पहुँच जाती है। और जब वो पलट कर पीछे देखती है तो तब निको को दो लोग पकड़ कर वापस फैसिलिटी में ले जा रहे होते हैं, जिसके बाद शेरन लाइट को फॉलो करते हुए आगे चली जाती है। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताता है कि उसका हार्ट 15 सेकंड्स के लिए धड़कना बंद हो गया था, जिससे कि वो 15 सेकंड्स के लिए मर गई थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। फिर शेरन अपने पेट पर वो कट चेक करती है, जो कि दरअसल अभी भी हील हो रहा था, जिसे देखकर अब उसे काफी राहत मिलती है। वहीं अब मूवी के एंड में हम देखते हैं कि जब शेरन डिस्चार्ज होकर घर जाती है तो तब वो उन सभी के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है जो कि उसे हेल में मिले थे। और इंटरनेट पर सर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि जो कुछ भी उन लोगों के साथ हुआ था वो सब सच है, यानी कि कैसेंड्रा की डेथ फूड पॉइजनिंग की वजह से ही हुई थी। वहीं डॉक्टर हेलन बैग की डेथ भी 1969 में हुई थी। उसी तरह सभी लोगों की डेथ भी सेम वैसे ही हुई थी जैसा कि उन्होंने शेरन को बताया था, जिसके बाद आखिर में शेरन एक बार फिर से निको के ग्रेव के पास जाकर कैंडल रखती है। गाइस, यहाँ पर मैं आपको शेरन के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ, जिससे कि आप मूवी को अच्छे से रिलेट कर पाए। दरअसल शेरन ने गलती से अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मार दिया था, यानी उसने ये जानबूझकर नहीं किया था, मगर इसके बावजूद उसे अपने किए पर काफी पछतावा हो रहा था। वहीं निको को भी अभी एहसास हो गया था कि शेरन की इसमें कोई गलती नहीं है। और रही बात निको को रूफ से लटकाने की, वो तो सिर्फ उसने अपने बचाव के लिए किया था, जिसका उसे काफी पछतावा हो रहा था, इसलिए वो उनका टॉर्चर सहने के लिए भी तैयार हो गई थी, और इसी कारण ही वो वहाँ से निकल पाई। वहीं हेल में मौजूद बाकी लोगों ने शेरन के कंपेयर में काफी बुरे कर्म किए थे, जिसकी वजह से वे वहाँ से नहीं निकल पाए।